अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आईफोन XS मैक्स में आग लगने का जो वाकया पेश आया उसने दुनिया भर के आईफोन यूज़र को हिला के रख दिया। तो उसमें क्या वजह सामने आई तो उसके बारे में आपको तफसीलन बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग सैमसंग की बैटरी फटने के वाकयात आपके आमने सामने आते रहते हैं, मगर गुज़िश्ता दिनों आईफोन XS मैक्स की उस वक्त आग लग गई जब वो एक शख्स की जेब में था। अमरीकी रियासत ओहियो से ताल्लुक़ रखने वाले जे हालर्ट नामी शख्स के साथ ये वाकया पेश आया। आमतौर पर आईफोन आग पकड़ने की कहानियां सामने नहीं आती और हर साल ऐसे बमुश्किल एक या दो वाकयात रिपोर्ट होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतासर शख्स का कहना था कि उसे पहले तो फ़ोन में आग लगने का इल्म नहीं हुआ और उसने पहले हवा में एक मखसूस बू सूंघी, उसके बाद उसने जेब में बहुत ज़्यादा जलन महसूस की जहाँ से धुआं भी खारिज हो रहा था। जे ब्लर्ड ने फौरी तौर पर दफ्तर में अपनी एक साथी से मदद तलब की। जब फोन में लगने वाली आग को बुझा दिया तो मेरी पतलून में एक सुराख हो चुका था, जबकि आग बुझाने वाला फोम कपड़ों और जूतों में भर चुका था कि कोलों में तकलीफ़ और ख़ारिश भी हो रही थी। वो शख्स का फोन बुरी तरह जल गया था जिसके बाद उसे एक एप्पल स्टोर ले गया था, वो नाकाबले मरम्मत करार दिया गया। हैलर्ट को नए आईफोन की पेशकश भी की गई जिसके बदले उसे अपने जल जाने वाले फ़ोन एप्पल के इंजीनियर को भेजा था, मगर उस शख्स का कहना था कि एप्पल को इसके कपड़ों को पहचने वाले नुकसान का जाना भी देना होगा। ये अभी ये वाजह नहीं कि फ़ोन में आग लगने की वजह क्या है, मगर हालर्ट का कहना है कि हो सकता है वो मुस्तकिल करीब में एप्पल के खिलाफ कानूनी इकदाम करें। सो ये थी एक नई एप्पल के हवाले से टेक न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।